अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट आदिल और आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम रेफ्रिजरेटर, डिफ्रीजर और वाटर कूलर के पार्ट नंबर 2 के बारे में बात करेंगे। तो इससे पहले दोस्तों, अगर आपने पार्ट नंबर 1 नहीं देखा तो इस वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप दोस्तों उसको भी जाकर अभी से देख लें ताकि दोस्तों आपको इस कोर्स की स्टेप बाय स्टेप समझ आती जाए। तो दोस्तों, अगर आज की इस वीडियो के अंदर हम पार्ट नंबर 2 के बारे में बात करेंगे तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं या इस वीडियो पर पहली बार आ रहे हैं तो इस वीडियो के नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब लिंक मिलेगा, आपने उस पर क्लिक कर देना है और साथ दोस्तों बेल आइकन भी होगा, आपने उसको भी प्रेस कर देना है ताकि मेरी जो भी दोस्तों न्यू वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी तो दोस्तों, हमारा जो पार्ट नंबर 2 है, रेफ्रिजरेटर बहुत ज़्यादा बिजली लेता है, तो इसकी दोस्तों काफ़ी जो है वजूहत हो सकती हैं, फॉल्ट हो सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि जो आपकी यूनिट है वो आम हालात से ज़्यादा बिजली खर्च कर रही है, तो इसके लिए दोस्तों आपने सबसे पहले क्या चेक करना है, तो चलिए देखते हैं। तो पॉइंट नंबर 201 है इसका, गैसकेट का ख़राब होना। अगर दोस्तों आपकी गैसकेट ख़राब है जो रेफ्रिजरेटर के डोर के साथ या डिफ्रीज़र के डोर के साथ जो रबड़ होती है वो काफ़ी हार्ड होने की वजह से ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से दोस्तों आपकी कूलिंग जो है डिस्चार्ज होती रहती है, जिससे आपका जो यूनिट है वो चलता रहता है 24 घंटे, जो थर्मोस्टेट है उसको ट्रिप नहीं करवा पाता, क्योंकि दोस्तों कूलिंग अंदर जो है निकल जाती है, तो इसकी वजह से भी आपका जो यूनिट है वो चलता रहता है, तो आपका बिल ज़्यादा आ जाता है। तो इसके लिए दोस्तों आपने गैसकेट को चेक करना है, अगर दोस्तों वो हार्ड हो चुकी है तो उसको ऊपर गर्म पानी डाल भी वो ठीक हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों पॉइंट नंबर 2 है, रेफ्रिजरेटर को सही से इस्तेमाल ना करना। अब दोस्तों यहाँ पर मतलब ये है, आपके घर में छोटे बच्चे होते हैं वो काफ़ी मरतबा वो रेफ्रिजरेटर का जो है दरवाज़ा कभी खोलते हैं, कभी बंद करते हैं, फिर खोलते हैं, फिर बंद करते हैं, तो इससे भी दोस्तों जो कूलिंग है वो निकलती रहती है। तो इसके लिए दोस्तों आपने उसको जो है एहतियात से इस्तेमाल करना है। अगर दरवाज़ा दोस्तों काफ़ी देर बंद रहेगा तो जो थर्मोस्टेट है वो ट्रिप करवा कर बंद करवा देता है मशीन को, जिससे आपका जो है बिल उससे भी कम आ सकता है। तो इसके लिए दोस्तों आपने इस चीज़ को भी चेक करना है। नेक्स्ट दोस्तों पॉइंट नंबर 3 है, फ्रिज में गर्म चीज़ों का रहना। काफ़ी मरतबा दोस्तों ऐसा होता है, गर्म चीज़ें जो है घरों में रख देते हैं फ्रिज में, जिसकी वजह से जो है रेफ्रिजरेटर को काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है उस चीज़ को ठंडा करने में, या जो है अगर आप गर्म चीज़ें रखते हैं तो उसके ऊपर काफ़ी लोड पड़ जाता है, इससे कंप्रेसर भी ख़राब होने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए दोस्तों आप कोशिश करें घरों में चीज़ों को जो है चूल्हे से उतार कर जो है फ्रिज में ना रखें, बल्कि उसको ठंडा करके फ्रिज में रखें, तो इससे भी दोस्तों आपकी जो है बचत हो सकती है। नेक्स्ट दोस्तों पॉइंट नंबर 4 है, फ्रिज के इर्द गिर्द टेम्परेचर का ज़्यादा होना। बाज़ दफ़ा दोस्तों फ्रिज ऐसी जगह पर पड़ी होती है जहाँ से उसके ऊपर धूप पड़ रही होती है, या बहुत गर्म जगह पर पड़ी होती है, या गर्म बंद जगह पर पड़ी होती है कमरे के अंदर, तो इसलिए भी दोस्तों जो आपकी फ्रिज है वो काफ़ी ज़्यादा चल चल के वो जो है आपका जो बिल है उसमें इजाफा करती है। तो इसके लिए भी दोस्तों आपने फ्रिज को किसी हवादार जगह पर रखना है, जहाँ पर उसको जो उसके कंडेंसर पर एयर लगे, तो उस जगह पर आपको फ्रिज को रखना होगा। नेक्स्ट दोस्तों पॉइंट नंबर 5 है, यूनिट का डिफ्रॉस्ट ना करना। तो यहाँ पर दोस्तों इसका मतलब ये है, जो यूनिट डिफ्रॉस्ट होता है, हीटर होकर ख़राब हो चुका हो या थर्मोस्टेट ख़राब हो गया होगा, तब भी आपका जो यूनिट है वो चलता रहेगा, तो इससे भी आपका जो बिल है वो ज़्यादा आ सकता है। तो इसके लिए दोस्तों आपने जो हीटर है या थर्मोस्टेट उसको चेक करना है, अगर ख़राब है तो उसको आप चेंज कर दें। नेक्स्ट दोस्तों पॉइंट नंबर 6 है, थर्मोस्टेट का सही सेट ना होना। बाज़ दफ़ा दोस्तों ऐसा होता है बहुत ज़्यादा गर्मी हो चुकी होती है, तो उस वजह से भी जो आपकी नाब है वो सही सेट नहीं होती, या जो है गर्मियों के सीज़न में या मौसम का दरमियाना है या सर्दियों में वो नाब सही तरह से सेट नहीं होती, तो इसलिए भी वो आपका यूनिट चलता रहता है, जिससे आपका जो है इजाफी बिल आ जाता है। तो इसलिए दोस्तों आपने थर्मोस्टेट इन्वायरमेंट के मुताबिक सेट करना है। तो ये था दोस्तों पार्ट नंबर 2 जो कि मैंने आपको ए टू जेड शेयर कर दिया। नेक्स्ट दोस्तों इंशाल्लाह पार्ट नंबर 3 नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, तो इसके लिए आपने दोस्तों वीडियोस को लाजमी देखना है ताकि दोस्तों आपको जो है हर चीज़ की समझ आती जाए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।